السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے لکھے ہیں ایک اور بہترین پیشکش بائی ڈرلس ارطغرل سیزن 5 ایپیسوڈ نمبر 52 پارٹ 2. اسٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا, بیکاز ابھی اگر آپ نے پارٹ 1 دیکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کے ضرور دیکھیے گا, بیکاز اس میں شارٹس بھی تھے. یہ والی ویڈیو میں شارٹس نہیں ہے بیکاز لاسٹ پارٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, بٹ یہ پارٹ تھوڑا اعلیٰ درجے کا ہونے والا ہے, تو اس پارٹ کے شارٹس نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو ملیں گے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں. کیا پہاڑی ہے, ماشاء اللہ, پانی ٹپک ٹپک ٹپک. ارطغرل بھائی نے دکھایا یار, اتری فائنلی ہمارا بھائی لڑے گا کیا لال جوتوں کے ساتھ؟ لال پری, یہ لال پری ہے موٹی والی. یہ چلتا بھی دیکھو کیسے, دیکھا کبھی آپ نے پیٹ آگے, پیٹ آگے کر کے چلتا ہے مست, بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. شکار کرنے آئے ہیں, یہ بھی آیا ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. گا رہی ہے علاج جانا, بخار ہوا اس کو. گندوب دبئی کب آئیں گے؟ شکار کرنے آیا تھا. شکر, رک جا. شکار اٹھا کے لاؤ میرا. خود نہیں جا سکتا؟ ارے وہ چلنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, اس لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سونگ رہا ہے. ارے پیجن ہے, مطلب کوئی کبوتر وغیرہ ہوگا. کچھ بھی بولو, ارطغرل غازی کے مطلب یہ سیریل میں جتنے بھی ویلن ہیں نا, بہت تگڑے ویلن ہیں. بابا کو نہیں پہچان, مارے یڑے.
कौन से तुम सपने में हो बेटे। और मुंडो जाने बट इधर वो है ना तुर्गुत भाई और बंसी भाई जो तुम दूसरी जगह करते हो तुम्हारे इधर हुआ है आज। बेवकूफ हो तुम्हारा भूत भी लेटा हुआ है देखो। किसने मारा है हमारे सिपाहियों को? अब हम क्या जवाब देंगे इलेक्टर को? कुछ नहीं मारो जाके उधर मार खाओ इधर भी। ओ भाई क्या छुपे थे? क्या छुपे हुए ना? क्या तगड़े निकले यार कसम से। ये कौन है? कौन है? अब्दुल रहमान वो भी थे। ये वो डर गए थे। शॉर्ट्स मस्त बनी है। ओ भाई आते ही एक बंदा खत्म। इन्होंने कितने सिपाही मारे हैं ना कल से। माशाल्लाह तीन लोगों ने सोचो इतने तगड़े हमारे सिपाही। कितनी ठंड है ना यहाँ पे बहुत। बाप रे सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो देखो हाय बखादू वो क्या करेंगी बेचारी। क्या करेंगी मतलब? ये क्यों खड़ा बेवकूफ इधर? अबे क्यों नहीं जा सकती भाई? ये इनका कबीला है। फजूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदारे आला बेबुलाद का हुक्म है हाय मखातू। आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं अपने औताक में दाखिल होने के लिए। रास्ता छोड़ हमारा। सरदार और कबीले का कोई फर्क इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं
सरदार आला बेबुलात और उमर उलाल कबीले के लोग हद में रहो अपनी क्यों यहूदा सुलेमान शाह की मिरास है इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं क्यों मुजाहिदा नहीं हमारा कमांडर अलन जक का हुक्म है कि हलाकू खान के लिए कालीन तैयार किए जाएं ताकि कालीन वक्त पर भेज सके वो जाइए और जाकर काम करें अपना तुम्हारा अलन जक और हलाकू खान बाहर निकाल मेरी फलक से बेटी वो दाग भी छीन लिया यार क्या यार ये बेबुलात को तो मैं सलजान कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगी तो उसकी छींटे तुम्हारे अपने ही ऊपर आएंगी बिल्कुल वक्त बदलेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह बिल्कुल बदलेगा तो बहुत जल्द बदलेगा इंशाल्लाह ये किला है ना हाँ पुराना फिर से आ गए यहाँ पे इधर उधर फिरते रहता है भाई हिफाजत एतमाद करके जाना नहीं तो वो एलन चाक का कोई भरोसा नहीं है और किसका गला काट दे
वो कहाँ है? जांगुच नहीं दिखा यार, क्या नाम है उसका? ड्रैगोस। अरे बाप रे। गुद्दुस बेटा, क्या सुलेमान ने तुम्हें कुछ बताया था? कुछ ऐसा कहा हो तुमसे जो हम नहीं जानते? एक बार कहा था मुझसे कि वो अपने बाबा के पास चला जाएगा, और वो सिमदान से कैसे भागा इस बारे में कुछ नहीं जानता मैं। वालिदा, उसने मुझसे भी यही कहा था, बहुत मुश्किल से मैंने रोका था उसे। वालिदा, जैसा कि उसने कहा, अगर वो वाकई अपने बाबा के पास चला गया होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उस पूरे इलाके में मंगोलों का कब्जा है। अर्तुग साहब, खामोशी से हमारे सिपाहियों को हुक्म दें, उमरुल्लार के सिपाहियों से पहले वो उसे तलाश कर लें। ठीक है हाय महातुम, मैं सिपाहियों को हुक्म दे देता हूँ, लेकिन एक मामला और दरपेश है। वो क्या है? 3 दिन की मोहलत कल खत्म हो जाएगी। अर्तुग्रुल भाई ने अगर मुतालबा पूरा कर भी दिया तो अलंजक उनके साथ धोखेबाजी जरूर करेगा। कल देखने वालों, हाँ। अलंजक अर्तुग्रुल भाई को कत्ल करना चाहता है गुद्दुस। तो फिर हमें सोक में घात लगानी होगी। अगर कोई भी मसला हुआ तो हमला कर देंगे हम लोग। ये बेहतर नहीं होगा, जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान दे साबित होगा। हमें अपना काम इस तरह करना है कि कोई भी निशान बाकी ना रहे। और ये करेंगे कैसे? अर्तुग्रुल भाई को उस जगह पर तनहा नहीं छोड़ेंगे, कुछ सिपाही खुफिया तौर पर उनके करीब ही रहेंगे, और हम लोगों को भी साए की तरह उनके नजदीक ही रहना है, और पूरी होशियारी के साथ उनकी नीयत और उनके हर कदम पर मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ कबीले में रहना है। गुंदूज यहीं पर रहेगा कबीले में। ऑफ कोर्स यार, सुबह हो गई, आज खत्म हो रही है मतलब मोहलत, थोड़ा सा दिखाएंगे आज, है ना? अर्तुग्रुल भाई, पैगाम किसको लिख रहे हैं अर्तुग्रुल भाई? उठ गया उस्मान। यार इसकी याददाश्त तो नहीं मतलब चली जाएगी यार। ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ किया क्यों नहीं यार इसने? समझ गए तुम? ठीक है सरदार, आ गया बूढ़ो। सो जाओ, वो मुंह लेके पता नहीं क्यों आता है ये। देखो अच्छे से, वो देख घोड़ा बन जाता है वो। हाथ देखे कैसे रखते हैं, पेट आगे, हाथ ऐसे। बहुत सुकून दिया मुझे पहाड़ों ने बेबुलाद, अपनी रूह आसमान को देकर खुद को ताजा कर लिया, लेकिन फिर से इन नापाक पत्थरों की तरफ लौट कर आना पड़ा मुझे। अर्तुग्रुल ने अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, हम उसका औताक और उसका कबीला तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर अर्तुग्रुल ने अपनी बात पूरी
قبضہ کر لیا تم نے، ہر طرف تمہاری حکمرانی نظر آ رہی ہے۔ ہم خود پر سے آپ کا اعتبار نہیں کھونا چاہتے، لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، لیکن جلد ہی اس نظام اور طاقت کے عادی ہو جائیں گے۔ یہاں کے لوگ بھی زمین کی طرح سرخیز ہیں، لیکن ان کی مکمل حمایت حاصل کرنے کے لیے طاقت کافی نہیں ہے۔ ان کی مکمل حمایت کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان کی روحیں ہم اپنے قبضے میں کریں گے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ دین کو ترک کرنے پر مجبور کریں گے انہیں۔ یہ تھا ہمارا ریئیکشن آن ڈرلیس ارتغرل سیزن 5 ایپیسوڈ نمبر 52 پارٹ 2۔ بہت انٹرسٹنگ تھا، بٹ لاسٹ میں اس نے بولا کہ سب کا دین چھڑوانا ہے، اور بے بولاد پتہ نہیں کیا کرے گا ابھی یار، اس پہ بندے پہ وشواس بھی نہیں ہے مجھے، پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے ابھی، آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ عثمان کو بھی ہوش آ چکا ہے، بٹ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے اب تو بھائی۔ سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اف یو لائک آور ویڈیو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اٹ۔ تو ملتے ہیں۔